तो दोस्तों वो समय तो आपको याद ही होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। भारत द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी बालाकोट के ऊपर और उसके बाद पाकिस्तान द्वारा एक नाकामयाब रिटेलिएट किया गया था, जिस दौरान भारत के पायलट अभिनंदन द्वारा पाकिस्तान के एक F-16 को भी मार गिराया जाता है। लेकिन इसी दौरान एक बहुत ही बुरा हादसा हो जाता है और वो ये था कि हमारे पायलट का विमान जो कि MiG-21 था वो रास्ता भटककर पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस जाता है और इसी दौरान वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और अभिनंदन जी को MiG-21 से इजेक्ट करना पड़ता है और इजेक्शन के बाद वो सीधे लैंड करते हैं पाकिस्तान के अंदर और जहां पर उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है। हालांकि 24 घंटों के अंदर ही उन्हें छुड़वा लिया जाता है, लेकिन सोचिए अगर वो रास्ता नहीं भटके होते, उनके पास कुछ ऐसे समाधान होते कि वो भारतीय एयर स्पेस में ही होते और उसके बाद अगर उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त भी होता और अगर वो लैंड भारत के अंदर ही करते तो ये कितनी अच्छी बात होती। तो दरअसल इसी के ऊपर काम करना शुरू किया गया और HAL के साइंटिस्ट को फाइनली इसके अंदर एक सफलता मिली है और अब HAL के साइंटिस्ट द्वारा कुछ ऐसे डिवाइसेस तैयार कर लिए गए हैं जिससे कि कोई भी भारतीय पायलट अब अपना रास्ता नहीं भटकेगा और किसी भी तरह की परिस्थिति में वो रास्ता भटककर दुश्मनों के एयर स्पेस में नहीं घुसेंगे, क्योंकि इसके लिए बताया जा रहा है कि HAL द्वारा एक स्वदेशी तौर पर डिजिटल मैप तैयार कर लिया गया है। जी हाँ, जिसके चलते उड़ान भरते हुए कॉकपिट डिस्प्ले पर हमारे पायलट मानचित्र को पूरी तरह से जांच सकेंगे, जिससे कि उन्हें नेविगेशन में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। दरअसल इसे अगर आपको सरल भाषा में समझना है तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि जब कार या बाइक चलाते हुए हम लोग रास्ते का पता करने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक इसी तरह की सुविधा अब हमारे फाइटर पायलट्स के पास भी होगी। इससे पहले दरअसल होता यह था कि हमारे पायलट्स को मैन्युअली ही मैप का इस्तेमाल करना होता था, जिससे कि युद्ध के दौरान रास्ता भटक जाने का हमेशा खतरा बना रहता था। इसी से निजात दिलाने के लिए डिजिटल मैप को तैयार किया गया है। इसी को लेकर HAL के एक अधिकारी द्वारा ये बताया गया है कि HAL द्वारा बनाया गया ये सिस्टम हमारे पायलट्स को दिशा निर्देश खो देने पर मदद प्रोवाइड करवाएगा, जिसके लिए जल्दी ही भारतीय लड़ाकू विमानों को डिजिटल मानचित्रों से लैस कर दिया जाएगा, जिसके चलते हमारे पायलट्स के पास पूरी जानकारी होगी और वो गलती से कभी भी हमारी सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। खासकर दोस्तों ये डिजिटल मैप पहाड़ी वाले क्षेत्रों में हमारे पायलट्स को काफी ज्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि ये कॉकपिट डिस्प्ले पर लगातार मैप की सुविधा उपलब्ध करवाएगा, जिससे कि पायलट्स नेविगेट कर पाएंगे, उन्हें लोकेशन लगातार मिलती रहेगी। इसी के साथ साथ हमारे पायलट्स को ये डिजिटल मैप ये भी बताते रहेगा कि उन्हें किस दिशा में जाना है, आपके एयरक्राफ्ट्स को कितनी ऊंचाई पर रखना है और मिनिमम एयरक्राफ्ट्स की ऊंचाई कितनी रखनी है, इन सारी चीजों को लेकर मदद करता रहेगा। इस तरह के मैप सिस्टम कॉकपिट पर 2D और 3D में उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ यही डिजिटल मैप सिस्टम ऊंची पहाड़ियों के खतरों से भी हमारे एयरक्राफ्ट्स को बचाएगा। तो अल्टीमेटली काफी ज्यादा उपयोगी चीज डेवलप की गई है भारतीय साइंटिस्ट द्वारा, क्योंकि किसी भी फाइटर पायलट्स के लिए अच्छी स्किल के साथ साथ उसके इक्विपमेंट्स और साथ ही उसका नेविगेशन सिस्टम भी उतना ही उत्तम होना चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कॉम्बैट के दौरान न आ पाए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।